हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल्स, मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज का दिन 22nd ऑफ जनवरी काफ़ी हिस्टोरिक दिन है। आज राम जी वापस आए हैं, आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इसी शुभ अवसर पर आज हमारा स्टॉक मार्केट भी बंद था, लेकिन अब कल फिर मार्केट खुलेगा। कल मंगलवार है, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये वीडियो बेसिकली सारी चीज़ों को कवर करेगा कि कल मार्केट में बेसिकली क्या हो सकता है, क्या मार्केट कल और डाउन जाएगा या अप जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं, ये आपके निफ्टी 50 का चार्ट है, वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, ठीक है। अब इन जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है और ये कल के लिए निफ्टी के अंदर कैसे प्ले करने वाले हैं, उनको वन बाय वन हम देखने वाले हैं। तो मेक श्योर, आप अगर इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इसमें आपको सीखने को भी मिलेगा। और आप साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो अगर जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप नए हैं तो अगर आप सीख रहे हैं तो इसके साथ आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसका नाम है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग। और आप देख सकते हैं जब भी इस पर, ये देखो सैटरडे का है, ठीक है, और इस पर मॉर्निंग में मैं लेवल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। और साथ ही साथ जो लोग मतलब अभी लाइक जो स्टूडेंट हैं, जिनके पास अभी जो पढ़ रहे हैं बट इतना कैपिटल नहीं है कि वो ट्रेडिंग अच्छे से कर पाएँ, तो उन लोगों के लिए खासकर मैं फ्री कॉल्स देता हूँ, एकदम 100% श्योर शॉट, एकदम एब्सोल्युटली फ्री है, कोई ये पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। आप देख सकते हैं सैटरडे को निफ्टी 21,750 की पुट का दिया गया था कॉल, जो बाइंग थी 150 की, जिसने अभी क्लोजिंग किया है 201, ठीक है। तो इस तरह का श्योर शॉट कॉल दिया जाता है, ठीक है। और इस पर लर्निंग के पर्पस से काफ़ी वीडियोज़ डाली जाती हैं, लेवल्स दिए जाते हैं ताकि आप साथ ही साथ सीख पाए। अब निफ्टी के हम चार्ट पे चल रहे हैं और इन लेवल्स को मैं वन बाय वन बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब देखो, एक लेवल आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, 21,651, ठीक है। ये लेवल कल के लिए इम्पॉर्टेंट है, कल इसके ऊपर मार्केट जाएगा ना, ठीक है, तभी हमें कॉल साइड अपनी एंट्री का पोजिशन सोचना है, अदरवाइज हम कॉल साइड एंट्री का पोजिशन नहीं सोचेंगे जब तक कि मार्केट 216, आप इसको राउंड फिगर कह दीजिए, 21,650 का जो लेवल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जाएगा तो आप कॉल का देखिए, अदरवाइज कॉल का हमें नहीं देखना है। और अगर कल मार्केट नीचे रहता है, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उसका देखो कारण है। अगर मैं आपको बात बताऊँ, आज ये जो डेटा है FI और DI का, ठीक है, 20 जनवरी का डेटा है, अगर आप यहाँ पर नोट करेंगे तो दोनों नॉर्मली ऐसा देखने को कम होता है। देखो DIs भी और FIs भी दोनों में सेलिंग है, नेट वैल्यू दोनों में सेलिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट का इंटरनेशनल प्लस नेशनल सेंटिमेंट यही है कि सेलिंग की तरफ का, तो मार्केट प्रोबेबली डाउन ही जाएगा, ठीक है। मैं अभी भी एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्रोबेबली, मार्केट जो आपको इंडिकेशन दे हमें उस हिसाब से काम करना होता है। तो अगर कल मार्केट कहीं ना कहीं नीचे खुलता है आपको यहाँ पे, ठीक है, तो इस जगह पे अगर मार्केट खुला तो जब नीचे आएगा तो एक सपोर्ट उसका ये बन सकता है आपका 21523 का, सेकंड सपोर्ट आपका बनेगा 21484 का। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है ना, फिर मार्केट अपने मेजर सपोर्ट पे आएगा 21415, ठीक है, 21415। ये देखो मैंने इसमें क्या है, ये एक ऑरेंज कलर में ये लेवल्स लगा रखे, ये भी सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पे पुट बनाते हैं, अगर आपकी पुट बाइंग हो जाती है, तो कहने का मतलब है आपको अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अगर आपको बुक करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए, थोड़ा बाउंस बैक करे, ठीक है ना। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पर आएगा जो कि है 21484 का, और अगर यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा बाउंस बैक करे, और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर मार्केट अपने बहुत बड़े सपोर्ट लेवल जो कि 21415 का, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कल के लिए।
अगर ये ब्रेक होता है ना तो आप मान के चलिए ये वाला जो लो है मार्केट ने लगा रखा है ये भी ब्रेक होगा और मार्केट फिर फर्दर डाउन जाएगा, ठीक है। लेकिन कल के लिए इंट्राडे के लिए ठीक है इतना बड़ा फॉल नहीं आएगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा पॉइंट गिर जाए। लेकिन हाँ हमें क्या करना है, अगर मार्केट 21650 के नीचे हमें मिलता है तो हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ पुट में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, और अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो एक बड़ा टारगेट हमें इस लेवल तक मिल सकता है, ठीक है। तो ये निफ्टी का ऑल ओवर व्यू है, और इनकेस अगर मार्केट ऊपर चलता है ठीक है तो हम कॉल की तरफ अगर देखें तो पहला रेजिस्टेंस ये, यानी रेजिस्टेंस का मतलब क्या, आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ऐसे ही निफ्टी के अंदर ये मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको ब्रेक करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा निफ्टी के लिए, ठीक है। 21800 का रेजिस्टेंस एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और बॉटम की तरफ 21400 का लेवल आप मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर इसको फर्दर ब्रेक करे तो मार्केट फिर कम से कम ऊपर 300-400 पॉइंट आप समझ लीजिए, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगेन मार्केट 400-500 पॉइंट डाउन जाएगा, ठीक है। और ये बीच के कुछ ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये कल के दिन निफ्टी में रहने वाले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है। अब हम बैंक निफ्टी की अगर बात करें, ठीक है, अभी देखो बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगा हुआ है, मैं अभी ये हटा देता हूँ वॉल्यूम। देखो आप बैंक निफ्टी का भी बहुत सटीक चीज है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के अंदर कौन सा लेवल आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये वाला, ठीक है, 45989। आप इसको मान के चल सकते हैं 46,000 का जो लेवल है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अगर मार्केट अपसाइड, ठीक है, 46,200 को ब्रेक करेगी, ठीक है, तो हम क्या है कॉल साइड जाएंगे। तो एक इंडिकेशन क्या है कि अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है ना, 46,000 के ऊपर मार्केट कहीं ओपनिंग देता है अपनी, तो आप कोशिश करना कि कॉल साइड आप ट्रेड बनाने की। और कब बनाएंगे, जब मार्केट आपको 46,200 के ऊपर क्लोजिंग दे देना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बैंक निफ्टी में अपनी ट्रेड बनाएंगे। और ये कहाँ तक आ सकता है, इस रेजिस्टेंस जोन तक आ सकता है, क्योंकि 46,664 और 46,739, ठीक है, लमसम ये अगर आप बात करें तो 70-80 पॉइंट का ये रेंज है। तो मार्केट यहाँ पे आके इस तरह से एक रिवर्सल, एक करेक्शन दे सकता है मार्केट, ठीक है। लेकिन कॉल साइड की कंडीशन तभी है जब मार्केट 46,000 के ऊपर मिले। अगर मार्केट आपको 46,000 से, इस 46,000 से नीचे मिलता है, और अगर आप पुट में ट्रेड बनाते हैं, तो पहला जो सपोर्ट मिलने वाला है बैंक निफ्टी को 45,641 है। सेकंड जो मेजर, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट बैठा है बैंक निफ्टी का, वो है 45,300। अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट 44,890 के आसपास जा सकता है। तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ठीक है। तो आप नोट कर ले 46,000 और 46,200, ठीक है। और बॉटम की तरफ से अगर हम पहला टारगेट की बात करें तो 45,650 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल की बात हो गई। अगर आप फिन निफ्टी देखें, क्योंकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, कल बड़े मूवमेंट आ सकते हैं, ठीक है। मंथली एक्सपायरी का भी वीक चलेगा, तो आप मान के चलिए कि एक बड़े मूवमेंट आने की कल पॉसिबिलिटी है फिन निफ्टी के अंदर। और आपको भी पता है फिन निफ्टी में बड़ा मूव आता है तो 5 रुपये तक के प्रीमियम, 10 रुपये तक के प्रीमियम 200-200, 250-250, 300-300 भी हो जाते हैं। तो फिन निफ्टी वो जैकपॉट है, अगर आपने सही से कैच कर लिया तो आपका कैपिटल कम से कम 10-20 टाइम्स हो सकता है फिन निफ्टी के अंदर। अब ऐसे ही फिन निफ्टी में आप देख रहे होंगे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल लगा के रखे हुए। ये जो ब्लू आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है फिन निफ्टी में, जो कि है 20,362, ठीक है, 20,362 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे होगा ना तो हम पी बनाने की कोशिश करेंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर होगा ना तो हम सी ई बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि कॉल है, ठीक है। और अगर मार्केट कल अपसाइड ट्रेंडिंग रहा तो ये रेजिस्टेंस आपको नहीं भूलना है, जो कि बड़ा रेजिस्टेंस है 21,000 का, ठीक है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। हो सकता है मार्केट कल स्टार्टिंग के आवर्स में रैली करता हुआ ऊपर तक जाए, बट 12 से 1 बजे का पॉज ले, उसके बाद मार्केट बहुत बड़ा रिवर्सल दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 20,362 के नीचे मार्केट खुला है, और नीचे जाने के बाद
ये जो लेवल मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है, फिर निफ्टी के लिए 19,900 का, 19,900 का बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। अगर कल मार्केट 1 या 1:30 बजे के आसपास यहीं पे ट्रेड हो रहा है ना, तो आप हीरो जीरो कॉल साइड बना सकते हैं, ठीक है। कॉल साइड मतलब यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर आप अपने कॉल साइड की पोजिशन बना सकते हैं। तो ये फिन निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है आपके 2362। अगर मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो हमें कॉल बनाने की तरफ ध्यान देना है, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो मुझे क्या है पुट बनाने का, पुट बनाने के मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो ये ऑल ओवर मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है फिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, ठीक है। तो गाइस आज के एनालिसिस के लिए इतना ही, कल मैं यूट्यूब लाइव आ रहा हूँ। अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में कैसे ट्रेड करते हैं, किस तरह से किया जाता है, तो आप मेरे उस यूट्यूब लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको एनालिसिस समझ आया होगा। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।